हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में, जब कोई भी स्टूडेंट रेगुलर कोर्स करता है तो उसके मन में ये सवाल ज़रूर आता है। दोस्तों, ये सवाल मेरे मन में भी था कि क्या आप रेगुलर कोर्स के साथ कॉरेस्पोंडेंस या ओपन से कोई भी कोर्स कर सकते हैं और वो वैलिड होगा या नहीं होगा। दोस्तों, इसमें मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को समझने की कोशिश करना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब मैं अपना डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर रहा था तो उस टाइम पर हमने कई सीनियर टीचर से कांटेक्ट करा कि सर, क्या हम कॉरेस्पोंडेंस से ओपन से बीए कर लें। तो कई ने बोला कि कर सकते हो, वैलिड है, कई ने बोला कि नहीं कर सकते, इनवैलिड है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रही हमें कि भाई ऐसा कैसे, क्या होगा, ये होगा। फिर मैंने केवी में भी जॉब करी, वहाँ भी पूछा, तो वहाँ भी ना कई टीचर्स का कोई भी साफ़ रिप्लाई नहीं था। और ये साफ़ रिप्लाई मिलेगा आपको इस वीडियो में, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। देखो, अगर आप 12th कर चुके हो और उसके बाद कॉरेस्पोंडेंस से कुछ भी करते हो, एक साथ दो कोर्स भी करते हो, एक साथ तीन कोर्स भी करते हो, कोई पूछने वाला नहीं है। अब बात आती है कि जब क्या 12th के बाद दो कोर्स एक साथ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि दोनों रेगुलर कोर्स आप एक साथ नहीं कर सकते। अगर इन फ्यूचर आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई तो आपको जेल भी हो सकती है। तो आप कर सकते हो एक रेगुलर और एक कॉरेस्पोंडेंस कोर्स कर सकते हो। इसमें कोई भी लीगल एक्शन कोई नहीं लेने वाला। बट दिक्कत क्या आती है, अब दिक्कत समझ लो। और दिक्कत जो आती है, इसका मतलब है कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो लोग टीचिंग कोर्स करते हैं, डाइट, DLED या JBT कह लो या DED स्पेशल एजुकेशन कह लो, तो वो दो साल का कोर्स करते हैं और उनके मन में ये सवाल आता है कि क्यों ना हम इग्नू या SOL या चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हम ग्रेजुएशन कर लें। बट अब क्या होता है कि वो फॉर्म डाल देते हैं, ठीक है ना, ग्रेजुएशन का फॉर्म उन्होंने डाल दिया। और दोस्तों, अब जो उन्होंने डिप्लोमा करा था उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आई और उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मेरी बात समझ रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो अब वहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट जॉब जब लग जाती है तो उसके 5 से 10 साल के बाद आपका प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन में क्या क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी पड़ेगी, आपको ग्रेजुएशन भी दिखानी पड़ेगी, आपको अपना बीएड भी दिखाना पड़ेगा, या आपने पोस्ट ग्रेजुएट कोई कोर्स करा वो भी दिखाना पड़ेगा। तो जब आप अपना जो आपने उसके साथ डिप्लोमा के साथ साइड से किया था, ओपन या कॉरेस्पोंडेंस से ग्रेजुएशन, अगर आप वो दिखाते हैं डिग्री, तो वो वैलिड नहीं है, वो अलग अलग ईयर में मांगते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका एक लॉस, जिसकी वजह से ये नहीं करनी चाहिए। साथ में मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर किसी कैंडिडेट ने डिप्लोमा किया और उसके साथ साथ उसने ग्रेजुएशन कर ली और अब प्रमोशन यानी कि TGT में प्रमोशन के लिए ग्रेजुएशन और BEd चाहिए और वो सेम ईयर की, क्योंकि भाई जब आपने साथ में किया तो वो ईयर तो सेम होगा। हाँ, पासिंग ईयर डिफरेंट हो सकता है कि भाई मान के चलो, अगर किसी पर्सन ने 2018 में डाइट, DLED, JBT, NTT या फिर हम बात करें DED में एडमिशन लिया, ये दो साल का कोर्स है, 2018 में एडमिशन लिया, 2020 में कंप्लीट होगा, और साथ ही 2018 में उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, तो दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी 3 साल के 2021 में। तो उसने ऐसी कोर्स करा और 2020 में उसका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, 2021 में उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अब क्या हुआ, उसने 2022 में गवर्नमेंट जॉब ले ली, गवर्नमेंट जॉब में उसने सिर्फ डिप्लोमा दिखाया, क्योंकि 12th के बाद डिप्लोमा के बेस पर आप जनरल टीचर या स्पेशल एजुकेटर बन सकते हो, तो उसने अपना डिप्लोमा दिखा दिया। अब वहाँ पर क्या हुआ, सर्विस बुक बनती है एक किसी भी डिपार्टमेंट में प्रमोशन के लिए। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें या क्लर्क डिपार्टमेंट की बात करें या टीचिंग डिपार्टमेंट की बात करें, तो एक सर्विस बुक बनती है जिसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन जो है दर्ज की जाती है, चढ़ाई जाती है। तो वहाँ पर वो कहेंगे कि लाइए अपनी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की डिग्री दीजिए और साथ ही साथ आपने जो बीएड किया है वो दीजिए। तो आप जब 2018 में जो आपने सेम ईयर में जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था और 2021 में आपने पास किया, तो जब आप वो देंगे तो वो नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि ये बताइए, 2020 में आपका डिप्लोमा कंप्लीट है, 2021 में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, एक साल के अंदर आपने 3 साल की डिग्री का कोर्स कैसे कर लिया। कोई लीगल एक्शन नहीं होता है, बट वो वैलिड नहीं होती वहाँ पर। बाकी वैलिड कैसे है, वैलिड ऐसे है कि भाई आपने डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा के बेस पर आपकी कोई जॉब नहीं लगी और ग्रेजुएशन करा और ग्रेजुएशन के बाद आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन में कोर्स कर लिया, जैसे कि ग्रेजुएशन करी आपने जर्नलिज्म में और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी जर्नलिज्म में कर ली, यानी कि आप डिप्लोमा के बेस पर आपकी जॉब लगी नहीं बट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जर्नलिज्म में कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जर्नलिज्म में कर लिया। तो दोस्तों, आपने किसी भी कोई भी न्यूज़ जो
है उसमें जाके जॉब वगैरह कर रहे हैं आप, तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। वहाँ पर आपको डिप्लोमा नहीं दिखाना, उनको आपके डिप्लोमा से मतलब ही नहीं है, टीचिंग डिप्लोमा से। उनको चाहिए था कि भाई कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो जर्नलिज्म में, वो हमें चाहिए, वो उनको मिल गया, तो उनको डिप्लोमा से मतलब नहीं। तो एक टाइम पर आप एक ही दिखाएंगे, ये भी बात आपको समझनी है। और कई जगह ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको एक बार में एक ही डिग्री या एक ही सर्टिफिकेट या एक ही डिप्लोमा दिखाना पड़ता है। अगर आप वहाँ दो दिखा देते हैं और इंक्वायरी बैठ जाती है, तो एक तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगी और हो सकता है कि आपके ऊपर कोई केस बन जाए या आपको जेल भी हो जाए। तो ये मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि साथ में ना करें। मेरा तो ये कहना है कि क्लियर बात है कि साथ में ना करें, क्योंकि वो वैलिड नहीं होती। हाँ, अगर आपका आपके पास दो ऑप्शन है कि भाई अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, या मैं इंजीनियर नहीं बना तो मैं कुछ भी बन सकता हूं, मैं मेरे पास कोई ऑप्शन है, तो आप दो कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा कर लिया टीचिंग का, और टीचिंग के डिप्लोमा के बेस पर आपकी जॉब नहीं लगी, तो जो ग्रेजुएशन आपने करी थी जर्नलिज्म में, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी जर्नलिज्म में, तो उसके बिहाव पर आपने जॉब ले ली, टीचिंग डिप्लोमा से आप कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपका टीचिंग में सिलेक्शन हो जाता है तो आप टीचिंग वाली डिग्री वहाँ दिखा दीजिए, वहाँ पर ना आपको ग्रेजुएशन दिखानी ना आपको पोस्ट ग्रेजुएशन दिखानी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये मुझे जानकारी देनी थी, थोड़ी प्रैक्टिकल बात करी है मैंने कि क्या डिप्लोमा डिग्री एक साथ कर सकते हैं, क्या दोनों एक साथ कर सकते हैं, क्या एक रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस से कर सकते हैं। तो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल एजुकेशन आपको सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल।